नमस्कार आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा बिहार दिवस 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक होना तैयारियां राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, में की जा रही जिला प्रशासन के तरफ से तमाम तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है इस बीच देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, में कि किस तरीके से मंच बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसी मंच से वो तमाम कलाकार जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं या फिर बिहार के बाहर से ताल्लुक रखते हैं वो बिहार की शाम को राजधानी पटना की शाम को लुभाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए इसी मंच से लोगों को लुभाएंगे अपने कला कृति से और देखिए उसी अब मंच को बनाया जा रहा है किस तरीके से और इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों लाखों लोग जो हैं बिहार दिवस के मौके पर पहुंचेंगे अलग अलग विभागों के तरफ से यहां पर स्टॉल लगाया जाएगा अलग अलग खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी और बिहार दिवस को लेकर सरकार और प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है जिसके तहत गांधी मैदान में बिहार दिवस दो के पूर्व तैयारी जो है वो अब तेजी से की जा रही है ये तीन दिवसीय समारोह होगा 22 तारीख 23 तारीख और 24 तारीख को होना है इसे लेकर प्रशासन की ओर से कई निर्णय लिए गए जिसके तहत गांधी मैदान में जो लोग हैं उनका आवागमन अब रोक दिया गया है वहीं आपको बताएं कि बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में लगने वाले तीन दिवसीय मेले में आने वाले लोगों के लिए काफ़ी तैयारियां की जाएंगी जिसके तहत उन्हें आलू की जलेबी छेने का पुआ धनड़ुआ की लाई सहित सौ से अधिक विभिन्न तरह के व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा 22 मार्च से बिहार दिवस की शुरुआत होगी पटना के गांधी मैदान में बिहार मेले में स्वाद का अड्डा भी होगा आलू की जलेबी और गुड़ के रसगुल्लों के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों से व्यंजन मिलेंगे जिसके लिए करीबन पचास स्टॉल लगाए जाएंगे इस बार बिहारी व्यंजनों पर ज़्यादा फोकस रहेगा वहीं लोगों को सस्ते दर पर शाकाहारी थाली भी मिलेगी जिसमें चावल दाल सब्ज़ी परोसी जाएगी यानी बिहार की वो तमाम कलाकृतियों के साथ साथ व्यंजन जो लोग बिहारी खाते हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे अलग अलग विभागों के यहाँ पर स्टॉल बनाए जाएंगे जो लोग लाखों लाखों लोग आएंगे देखने के लिए तो उनके लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं देखिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं अलग अलग टेंट बनाए गए हैं और हर साल चूँकि देखा जाता है कि कोरोना के बाद अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं किया जा रहा था मगर अब देखिए राज के तरीके से यहाँ पर बिहार दिवस की तैयारियाँ की जा रही हैं लाइटों के साथ साथ पटना के गांधी मैदान में, में वॉच टावर भी बनाए जाएंगे जहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे और दिखाया जाएगा और देखिए थर्मोकोल से ये जो मंच है इसी मंच से शाम रंगीन करने के लिए जितने भी कलाकार आएंगे बिहार से ताल्लुक रखने वाले या फिर बिहार के बाहर के छोटे से बड़े कलाकार तक इसी मंच से जो है वो प्रोग्राम करेंगे लोगों को लुभाएंगे शाम रंगीन होगी तो अब देखना है कि 22 तारीख 23 तारीख और 24 तारीख को जब उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है लाखों लाखों लोग पटना के गाने मैदान में आते हैं बिहार दिवस का मजा लेने के लिए बिहार दिवस को देखने के लिए तो तैयारियां अभी से की जा रही हैं बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं बहरहाल इस खबर में बस इतना ही अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द जल लाइव से को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद